निकाय चुनाव में कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस हितेश वाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी, ये कहना है कांग्रेस का। यहां तक कि कांग्रेस प्रत्याशी भी हितेश वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजेंगे। तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि हितेश वाजपेयी को कांग्रेस मानहानि का नोटिस भेजेगी। पूरा ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने पहले हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया, कांग्रेस की आवश्यक सूचना, नगरपालिका अध्यक्ष हेतु रेट 15 तारीख बाद खोले जाएंगे, तब पार्षद भी अपना दाम नोट करा सकते हैं। ये ट्वीट हितेश वाजपेयी का, नोट पहले आओ बिक जाओ की तर्ज पर निर्णय होंगे। कांग्रेस में कमलनाथ जी ने लगभग महापौरों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। सुना है इंदौर का 5 करोड़, भोपाल का 3.5 करोड़, सागर का 2.5 करोड़, ऐसे ग्वालियर और सभी जगह। हालांकि कुछ नगर निगम अभी बाकी हैं। आपको लग रहा होगा रेट क्यों कम है, तो कांग्रेस के सर्वे में ये सीटें है घाटे की, नेगेटिव है, लेकिन धंधा चालू है। 15 तारीख के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पार्षदों के भी रेट ये खोलने वाले हैं। बस उनकी हिदायत ये है कि शपथ पत्र भरना पड़ेगा।